मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के किसानों ने बांध की मांग को लेकर सूबे की कमलनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बांध के स्थान पर बेराज बनाने पर नाराजगी जताते हुए किसानों ने इंदौर बैतूल हाईवे पर चक्का जाम करते हुए जमकर नारेबाजी की। हालांकि किसानों के आक्रोश को देखते हुए सरकार ने किसानों की मांग मान ली है। मध्य प्रदेश के बैतूल में सैकड़ों किसानों ने बांध की मांग को लेकर बैतूल इंदौर हाईवे पर जाम लगा दिया। 307 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले गड़ा बांध को लेकर इलाके के ग्रामीण लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। शिवराज सरकार ने इस बांध की स्वीकृति दी थी, जिसके बाद इसका टेंडर भी कर दिया गया था, लेकिन विभाग इस बांध की जगह बैराज बनाने की तैयारी कर रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही किसान नाराज हो गए, जिसके चलते दर्जनों गांव के किसान हाईवे पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने चक्का जाम कर दिया, जिससे इस मार्ग पर घंटों सैकड़ों वाहन जाम में फंसे रहे। पूर्व भाजपा विधायक हेमंत खंडेलवाल के कार्यकाल में स्वीकृत हुए डैम में बदलाव से वे भी खासे नाराज नजर आए। इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस नेता हेमंत वागदे ने कहा कि शासन ने हरी झंडी दे दी है, बांध पुराने प्रस्ताव के आधार पर उसी ऊंचाई पर बनाया जाएगा। किसानों के चक्का जाम की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया, जहां किसानों को समझाइश देकर चक्का जाम खत्म कर आवागमन सुचारू किया गया। जो बहुप्रतीक्षित मांग थी गड़ा डैम की, वो आज शासन के अधिकारियों ने आकर यहाँ पर उस बात को स्वीकृत हरी झंडी दी। यहाँ पर जो डैम पूर्व में स्वीकृत था, उसी हाइट पे वो डैम यहाँ पे बनेगा और जो सिंचाई की परियोजना पूर्व में स्वीकृत थी, वही सिंचाई परियोजना यहाँ पर लागू होगी। मैं सभी जिन्होंने संघर्ष किया था, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक सही दिशा में संघर्ष किया और आज उसका उनको रिजल्ट भी मिला। देखिए, आपकी जानकारी में होगा कि पिछले साल जो पूर्ववत सरकार थी, उसने ये डैम की स्वीकृति दी थी। लगभग 39 MCM का 8,500 हेक्टेयर का गड़ा डैम था। बीच में उसका एक बार टेंडर भी हो गया, उसके बाद रीटेंडर हो गया, मेंटाना कंपनी को मिल गया, लेकिन उसके बाद अधिकारियों ने लोगों को भ्रमित करके कहा कि यहाँ बैराज बनाएंगे, जबकि तकनीकी रूप से हर अधिकारी जानता है कि माचना में बिना जमीन डुबाए 1 MCM का डैम नहीं बन सकता, तो 40 बैराज हम कहाँ से बनाएंगे। पूरी तरह जनता को गुमराह कर रहे थे। जनता ने जब पिछली बार आंदोलन किया, ज्ञापन दिया, और इस बार जनता ने पुनः आंदोलन किया। मैं किसानों को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके नेतृत्व में सभी दलों के लोग यहाँ आए। आज लिखित में इन्हें आश्वासन दिया है कि हम 20 तारीख तक लेआउट डाल देंगे और डैम का काम शुरू कर देंगे। धारा 11 जो पहले हो गई थी, उसको पुनः हम 11 दिन में उसको पुनः हम अवलोकन करके उसे कर देंगे। मैं समझता हूँ ये डैम बनने के बाद ये क्षेत्र खुशहाल होगा और किसानों ने जो आंदोलन किया उसमें वो सफल था। ये बेसिकली गढ़ा डैम बनाने के लिए इनके द्वारा आह्वान किया गया था कि शासन प्रशासन अगर हमारी मांग नहीं मानता है गढ़ा डैम बनाने की, तो हम चक्का जाम करेंगे। तो संबंधित अधिकारियों के द्वारा आ करके सारी स्थितियाँ क्लियर कर दी गई, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे। ऐसी स्थितियों में ट्रैफिक रेगुलेट करवाया गया है प्रॉपर और संपूर्ण स्थितियाँ स्पष्ट कर दी गई हैं उनको संबंधित विभाग के द्वारा, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रामीणों का ये विरोध था कि गढ़ा बांध अपने ओरिजिनल स्वरूप में बने, उसकी जगह कोई बैराज ना बने। हमने जो है फाइनल डिजाइन जो की है, उसके हिसाब से ओरिजिनल गढ़ा डैम की जगह गढ़ा बांध ही बनेगा, उसकी जगह कोई बैराज नहीं बनेंगे। ये हमने ग्रामीणों को आश्वस्त करवा दिया है कि गढ़ा डैम पूर्व जैसे प्रस्तावित था, वैसे ही गढ़ा डैम बनेगा और उसका शीघ्र काम हम लोग प्रारंभ करवाएंगे। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।